ओहो, बहुत ही अमेजिंग जगह है, बहुत ज्यादा अमेजिंग। ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ। ये वाला जो आइलैंड है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाइयों गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो चुकी है और विक्की भाई जस्ट अभी उठे हैं इसलिए इनको गुड मॉर्निंग लग रही है। आप कौन सा सुबह 7 बजे उठे हो? तो गिली टी में हमारा डे हो गया स्टार्ट। तो भाई हमने यहाँ पर बहुत लोकल से बात करी और पूछा है कि गिली टी का स्पेशल क्या है। तो उन्होंने हमारे को बताया कि आइलैंड सिर्फ 6.5 किलोमीटर तक है और यहाँ पर ना कार होती है, ना बस होती है, ना गाड़ी होती है, ना पेट्रोल पंप है, सिर्फ और सिर्फ साइकिल और टांगा है। और एयर आ रही है एकदम फ्रेश और पोल्यूशन फ्री है। कल रात को भी हमने बहुत ही मजे करे, बहुत ही पार्टी करी और आज आपके दोनों भाई बन गए सुपरमैन। और विक्की भाई को आज मैं अपना बना दूंगा फैन। तो यहाँ पे साइकिल वगैरह इजीली अवेलेबल है और फटाफट चलते हैं और साइकिल लेते हैं। और मैं आपको साइकिल का सारा प्राइस बताऊंगा कि कितने प्राइस की साइकिल पड़ती है और कैसे आपको मिलेगी साइकिल। तो चलो चलें साइकिल लेने। रुक जाओ, पहले भाइयों को राम राम तो कर दो। ओ मेरे भाइयों, सारे भाइयों को राम राम सुबह और शाम शाम। दिल्ली 34 के चीते हैं, मौज लेके जीते हैं। तो भाइयों मैं साइकिल लेने जा रहा हूँ और फटाफट आ जाओ मेरे पीछे पीछे। तो गाइस पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा पूल जहाँ पे वीनू भाई अभी आपको जंप करके दिखाएंगे। और हम जो साइकिल वगैरह का पूछ रहे हैं वो अपने रिसेप्शन पे ही पूछ रहे हैं। अपने रिसेप्शन पे ही साइकिल वगैरह का पूछ रहे हैं। भाई मिल गई साइकिल? बस साइकिल का मैंने इनको बोल दिया कि 2 साइकिल चाहिए हमारे को। ये अपने कंप्यूटर पे देख रहा है इसके पास अवेलेबल है कि नहीं है, तो फिर हमारे को चेक करके बताएगा अभी। अरे एक ही साइकिल ले लो ना, पीछे मैं खड़ा हो जाऊंगा। पीछे बैठने की जगह नहीं है, टायर पे बैठेगा। तो साइकिल लेके पूरा करेंगे हम एक्सप्लोर और नई नई जगह देखेंगे जहाँ पे अभी हम खुद भी नहीं गए, कि जहाँ पैदल ना नहीं जा पा रहे हम। ओके, तो इसने हमारे को बताया साइकिल है 50,000 रुपये की सिर्फ 24 आवर्स के लिए। मतलब जैसे अभी 3 बजे लेंगे तो अगले दिन 3 बजे वापस करनी पड़ेगी साइकिल। और 50,000 इंडिया के हिसाब से होगा 250 रुपये, तो 250 रुपीज़ की हमारे को साइकिल मिल जाएगी 24 आवर्स के लिए। साइकिल पे घूमेंगे और मौज लेंगे फुल। और साइकिल दिखाता हूँ मैं आपको कैसी साइकिल है। वो चाबी मिल गई हमारे को साइकिल की, मुंह से गाड़ी गाड़ी निकल रहा है पर चाबी यहाँ पर साइकिल की मिलेगी आपको। तो बाहर साइकिल है, ये भाई है मुकिम। मुकिम भाई हेलो। मुकिम हमारे को लेके जाएगा साइकिल की तरफ, लेट्स गो। मुकिम भाई मुकिम बहुत ही बढ़िया बंदा है। इन्फॉर्मेशन वगैरह इतनी हमने इनसे पूछी है, इन्हें मना नहीं करा एक बार भी। हाय मुकिम, हेलो, कहाँ भाग रहे हो? मैं देख रहा था, पता नहीं मेरा फोन आजकल तूने रख लिया फोन? हाँ मैंने रख लिया। आजकल वैसे ही ये बहुत फिटनेस फ्रीक हो रखे हैं। फिटनेस फ्रीक जब से बाली आए हैं, इनको कभी जिम का शौक चढ़ रहा है। तुम्हारा भाई इंडिया पतला होके जाएगा। और ये देखो हमारी साइकिल। और फिर इंडिया जाके फिर मोटे हो जाओगे? ना मोटा नहीं हुआ, पतला हो जाऊंगा। चलो आप जब तक साइकिल लो, मैं बाहर दिखाता हूँ एक बार। कल हमने जहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना खाया था मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो गाइस कल इस रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया था और व्यू बहुत ही बढ़िया था यहाँ का। मैं आपको दिखाता हूँ व्यू और टेबल पे भी दिखाता हूँ कौन से टेबल पे बैठ के हमने खाना खाया था। हमने इस वाले टेबल पे बैठ के खाना खाया और व्यू बहुत ही औसम था यहाँ से, बहुत ही बढ़िया व्यू था। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। व्यू बहुत ही बढ़िया। चलो चलते हैं साइकिल पे, वरना भैया वेट कर रहे हैं मेरा, कहेंगे कहाँ चले गया विक्की। फुल पावर में है, फुल कार्डियो कुडियो करने के मूड में है। मेरे को लग रहा है इंडिया पतले होके जाएंगे। ये रही हमारी साइकिल। भाइयों ये आगे हमारी साइकिल देखो, ये देखो आगे बास्केट दी है, शॉपिंग वॉपिंग करके सामान रख लो बास्केट में। और इस टाइप के टायर वगैरह भाई इसने हमारे को बता दिया ये लॉक है, कहीं भी पार्क करो लॉक जरूर लगा देना साइकिल पे। यहाँ पर साइकिल लेके हम कहीं भी जा सकते हैं, साइकिल वहाँ पे लगा के लॉक लगा दो, कोई टेंशन नहीं वाली बात नहीं है। सही बात है ना? तो चलो साइकिल चलाते हैं। चला लेगा ना तू? मैं तो चला लूंगा, आप चला लोगे कि नहीं चलाओगे ये बता दो। पीछे बैठ जा। मैं तो कह ही रहा था मैं पीछे खड़ा हो जाऊंगा। मेरी साइकिल कहाँ है? ये अपनी चाबी संभाल लो। चाबी अपनी चाबी भी मेरे को दे दो, मेरे को तो लग रहा है आप वो भी खोदोगे। वो देखो भागने की तैयारी में पूरे। ब्रेक नहीं है भाई, मेरे में तो है।
स्टैंड तो हटाया नहीं चलाने से पहले। हेलो फुल एंजॉय हो रहा है, फुल एंजॉय। इनसे तो चली नहीं थी साइकिल। ये देखो भाइयों कितना तुम्हारा भाई एक्सपर्ट है साइकिल चलाने में, फुल पावर है। अरे व्यू कितना सुंदर लग रहा है ऐसे साइकिल चलाते हुए। यहाँ पर ऐसे बार्स वगैरह बने हुए हैं, आराम से अपना रिलैक्स करो, चिल आउट करो। ये तो स्पीड में बहुत भाग रही है साइकिल, और यहाँ पर सारे बीच, और ये बीच हो गया। और ये देखो भाई ऐसा होता है टांगा, ये टांगा यहाँ पर, और ये देखो बीच सामने बार। तो मतलब अमेजिंग जगह है, मजा आ जाएगा आपको, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ये देखो मैं आपको नजारे दिखाता हूँ, व्यू देखो आप, देखो रिलैक्स करने के लिए बीच पे। स्टॉप लगा लिया बस साइकिल का, मेरे को तो पसीने आ गए। कभी इसने आज तक वर्कआउट तो करा नहीं, तो पसीना तो आएगा ही। ये देखो ऐसे बने हुए हैं, रिलैक्स करने के लिए जगह बनी हुई है, कितनी प्यारी बनी। यहाँ अपना रिलैक्स करो, और सामने बीच है, जो भी आपने ड्रिंक्स वगैरह लेनी है, खाने पीने का कुछ लेना है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। और पूरा आइलैंड ऐसा बना हुआ बिल्कुल रिलैक्स पीसफुल, और रात को पूरी पार्टी करते हैं जोरों शोरों में, और बहुत ही बढ़िया जगह है, मजा आ रहा है। और ये कितना खुश हो रहा है, तो चलो साइकिल को लॉक तो लगा लिया करो। लॉक मैंने इसने लगाया, तू खड़ा हुआ था। तो चलो भाई फिर से साइकिल निकालते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या क्या बना हुआ है। ये रहा टांगा, तो कितना कितना बढ़िया बना हुआ है। साइकिल साइकिल चलाते लग रही है हवा ठंडी ठंडी, मजा आ रहा है बहुत। तो विक्की भाई कैसा लग रहा है आपको? अरे यार बड़ा मजा आ रहा है लाइफ में, पूरा मजा आ रहा है, मन कर रहा है साइकिल। जब साइकिल पार्क कर दिया और लॉक लगाना, तो यहाँ पर लॉक जरूर लगाएं। और मैं आपको अब दिखाता हूँ बीच का व्यू दिखाता हूँ, और सामने एक दो आइलैंड भी है वो भी बताता हूँ आपको कैसे हैं। ओहो हो, बहुत ही अमेजिंग जगह है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाला जो आइलैंड है ना, ये वाला, ये गिली मीनो। और पास से दिखाता हूँ आपको, मजा आ गया। ऊपर देखो मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, और नीचे बीच। ये सामने आइलैंड है, यहाँ भी जा सकते हैं बोट से। गर्मी हो रही थी तो हमने नारियल पानी ले लिया ठंडे ठंडे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये नारियल पानी हमारे को 25,000 रुपये का पड़ा है, मतलब इंडिया के हिसाब से हमारे को पड़ा है ये 130 रुपीज़ का। और ये देखो कैसे नारियल पानी पीने में लग गया ठंडा ठंडा, मजा आ गया भाई, चिल्ड है एकदम चिल्ड। और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, रिलैक्सेशन हो रही है पूरी। और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ नारियल पानी के साथ, कितना बढ़िया व्यू है ये देखो, मतलब मजा आ जाएगा आपको, दिल खुश वाला व्यू है, और दिल मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। तो भाई वो मजा आ रहा है मेरे को तो बहुत ज्यादा। विक्की कैसा लग रहा है भाई? बहुत मजा आ रहा है, ठंडा ठंडा नारियल पानी साथ में बीच का व्यू, ओए होए स्वाद आ गया। तो बस अब अपना नारियल पानी फिनिश करते हैं और फटाफट साइकिल निकालते हैं और आगे चलते हैं। इस जगह पे आप अपने सारे पैकेज वगैरह बुक करा सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जिसने जैसे स्नॉकलिंग वगैरह जाना है और अदर्स पैकेज लाइक कोई आइलैंड दूसरे आइलैंड जाना है या कुछ करना है, सब कुछ है यहाँ पर, पैकेज अवेलेबल है ये वाली मार्केट में। और सारा स्नॉकलिंग का सामान वगैरह जो ज़रूरत होता है उसमें वो भी मिल जाता है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये जैसे ये सारा स्नॉकलिंग गियर्स होते हैं, ये सारा मिल जाता है। बाकी थोड़े बहुत शूज़ वगैरह इनके यहाँ पर, कपड़े वगैरह और जो लॉकेट्स वगैरह है वो भी रखे हुए हैं इन्होंने, बड़ा सुंदर है। और ये देखो यहाँ पर अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपना लगे पड़े हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं। और ये सामने बीच आ गया। तो ऐसे एक्सप्लोर करते रहेंगे पूरा आइलैंड, साथ साथ चलते रहते हैं। और मैं स्नॉकलिंग का प्राइस भी पता करता हूँ, कितने पड़ती है स्नॉकलिंग का प्राइस, और मैं फिर आगे बताता हूँ। हाउ मच फॉर द स्नॉकलिंग ब्रदर? 50,000 बता रहे हैं। ये देखो आपस में हंसी मजाक करते रहते हैं बहुत ज़्यादा। और ये देखो मैं आपको लॉकेट्स दिखा देता हूँ यहाँ पर कैसे लॉकेट्स मिलते हैं। ये देखो दिस इज ओरिजिनल, दिस इज सॉल्ट पर्ल, यस एंड दिस इज फ्रेश ऑफ द पर्ल। तो ये बता रहे हैं पर्ल होते हैं जो समुंदर में मिलते हैं, वो भी है, दिखाइयो दिखाना भैया।
ये देखो ये पर्ल दिखा रहा है दिस इज फ्रॉम फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर एंड दिस इज सॉल्ट वाटर ये कह रहा है फ्रेश वाटर और ये कह रहे हैं सॉल्ट वाटर फ्रॉम द सी मतलब फ्रॉम द सी और हाउ मच दिस वन यस 300 दिस वन ओके तो मतलब ये 300,000 रुपये का बता रहा है ये वाला दिस वन एक्सपेंसिव वन एंड दिस वन वन यू नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव हाउ मच 3 million पाउंड तो ये 3 million रुपया या रुपया ओके 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 तो बाकी आप यहाँ पर आ सकते हैं छोटी मोटी शॉपिंग कर सकते हैं स्नॉकलिंग वगैरह कर सकते हैं और दूसरे अगर आपको आइलैंड जाना है तो वहाँ पर जा सकते हैं ये देखो ये इनको थोड़ी थोड़ी हिंदी भी आ गई बोलनी कैसे हो ये देखो तो हिंदी बोलते रहते हैं अपना मौज मस्ती करते रहते हैं बड़े फन लविंग है और आगे चलते हैं और देखते हैं थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं हम इस आइलैंड को चलें भाई चलो ये भाई का वेट संभाल पाएंगे कि नहीं अब तो आपका भाई पतला हो गया पूरा स्लिम ट्रिम करके तो दिखाओ फिर एक बार करूं ओ भाई साहब मजा आ गया भाई अब इनका वेट संभाल लिया क्योंकि ये कार्डियो कर रहे हैं ना जब से यहाँ पर आए हैं एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज कर रहे हैं आपके आपके भाई ने पूरा आइलैंड साइकिल पे घूमा अकेला और मजा आ गया यार ये भी व्यू यहाँ से भी बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये देखो मैं आपको यहाँ पर हॉर्स राइडिंग वगैरह भी होती है पूरी बीच की ये देखो ये झूला पीछे मजा आ जाएगा मतलब आपको विक्की भाई कैसा लग रहा है भाई बहुत अमेजिंग लग रहा है आपको मैं व्यू दिखा दूँ यहाँ की व्यू के साथ साथ करेंगे हम यहाँ का फूड ट्रैक हेलो तो ये डिश ऑर्डर करी है भैया ने तो इसका नाम मैं बताता हूँ आपको क्या है इसका नाम है आयाम तालिवांग तो ये एक ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट देते हैं साथ में राइस देते हैं और साथ में देते हैं थोड़ी वेजीज और एक स्पाइसी चटनी देते हैं ये तो ट्राई करके देखते हैं कैसा है क्या है ये चटनी तो ऐसे है जैसे मोमोज की चटनी है ना हमारे यहाँ पर मैं खाता हूँ ये चटनी बिल्कुल ऐसा लग रहा है मोमोज सॉस है और ये साथ में इन्होंने थोड़ी वेजीज दी है देखता हूँ कैसी है टेस्टी ठंडी ठंडी वेजीज है ये गर्म नहीं है दिख रही होगी आपको गर्म पर गर्म नहीं है ठंडी वेजीज है जिसमें थोड़े पोटैटोज डाल रखे हैं टमाटोज डाल रखे हैं मशरूम डाल रखा है और खीरा डाल रखा है तो बहुत ज़्यादा स्वाद है और ये मैं बताता हूँ आपको कैसा लगा दो चिकन ब्रेस्ट चाहिए और साथ में इसके राइस दे रखा है थोड़ी सी इसके लेंगे थोड़ी केचप और ये लेंगे थोड़ा वेजीज और खा के ट्राई करके बताता हूँ कैसा है मतलब चिकन बहुत ही बढ़िया ग्रिल करा हुआ है बहुत सॉफ्ट है और मज़ा आ रहा है खा के तो हम ट्राई करते हैं टेस्ट करते हैं कैसा है पहले लूंगा मैं चिकन ये भी टेस्टी है भाई ये जैसे इंडिया में अपने चिकन फ्राइड राइस होते हैं ना ये उसकी तरह हो गया देखो एग कितना मज़ेदार लग रहा है प्रॉपरली कुक्ड है एकदम तो करेंगे कट टेस्ट आ गया मोज लो रोज लो ना मिले तो वी ब्रदर्स की यूट्यूब पे वीडियो खोज लो।